और यहाँ पर मिस्टर वर्मा ले आए हैं सारा सब्जी। तो देखिए सब्जी में आज क्या क्या लाए हैं दिखाइए। कुछ नहीं, कटहल लाए हैं, परवल लिए। हाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे सब्जी लाने? गोसाई टोला पाइप लेना था इसलिए। हाँ ये वाशिंग मशीन का पाइप लेना था, हम सोचे कि थोड़ा बहुत वाशिंग मशीन यूज़ करना चाहिए। और दूध ले आए हैं और क्या लेके आए हैं। और देखिए हमको कटहल अच्छा लगता है, ये कटहल नहीं खाते हैं, सलाद पसंद। हाँ और ये मिर्च और आलू का अचार का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा लोग अभी अचार का डिमांड किए हैं, तो ये मुझे लगाना है। ये कितना अचार लिए हैं? ये दो तरह का मिर्ची है, ये इतना ही मिला है। हाँ जैसे ये जो है ना, देखिए ये मिर्च जो है तो सिंपल है, इसका ऐसी सरसों वाला लगा देंगे जो मेरा छोटा भाई को। और एक जो है लौंगिया मिर्च है, दिखाइए ये बहुत तीखा मिर्ची है। हाँ देखिए मेन जो आलू का अचार में जो हम लगाते हैं ना, अरे देखिए ये वाला जो अचार है ना, ये लौंगिया मिर्ची। तो अभी जाना है मुझे, ये सब का अचार लगाना है, तो जा रही हूँ किचन में धोने के लिए। और इसमें परवल ले आया है, गोभी तो हम कल डांटे हैं तो गोभी नहीं लाए हैं। तो देखिए यहाँ पर, और ये कटहल, कटहल कैसे दे रहा है? कटहल दे रहा है 60 रुपये। हाँ 60 रुपये, 60 रुपये। तो देखिए यहाँ पर सब कटहल भी ले आए हैं। तो चलिए अब सबको हम धो लेते हैं और दूध को भी धो करके बॉईल कर लेते हैं, मॉर्निंग का टाइम है। और ये वाला ना, इसका भी अचार बहुत टेस्टी होता है, देखिए इसका भी। हाँ इसका भी अचार बहुत टेस्टी होता है। और इसमें खीरा, टमाटर जो था ये, लेकिन खीरा का ठीक है, ये जो खीरा है ना और देसला खीरा नहीं रहता है, खीरा है ये ठीक खीरा है। और जो जनरल खीरा होता है ना उसको एकदम सूख गया है कल एक ही दिन में, ये ठीक रहता है। ये जो देसला खीरा रहता है ना ये ठीक रहता है। तो चलिए सारे सब्जी को हम धो लेते हैं। और यहाँ पे देखिए झोला में आम सब पक रहा है और उन लोगों को भी देना है। देखिए ये जो है, देखिए सबको, आम जो है ये सब पक रहा है, कच्चा भी है पक्का भी है, सारा पक रहा है। डाल देते हैं पानी में सर, नहीं अंदर से भी देखिए सब पक पक जा रहा है। देखिए देखिए ये सब आम जो है ना, देखिए सब घुल घुल गया है सब, ये सब खराब हो गया। कौन? हाँ ये खराब हो गया, निकालिए झोला से सब। और भाई भाभी लोग आएंगे आई थिंक आज रात चाहे कल आ जाएंगे, तो अचार ले जाएंगे बोले बना के रखना। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा को सिर्फ रोटी और काली मिर्च वाला भुजिया बोले हैं, गोभी का बना देना। और साथ में देखिए कौवा है ना, इतना लड्डू के लिए हल्ला करता है आजकल, लेकिन लड्डू फिर से ख़त्म हो गया है। साथ में सबको मैं मॉर्निंग में खाना दे दी हूँ। हुआ खाने दो उसको, नहीं झगड़ा नहीं करो, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, खाने दो उसको भी, खाने दो उसको भी, खाने दो। नया कौवा आ जाता है तो खाने नहीं देता, उसको भी खाने दो, दोनों मिल के खाओ, मिल के खाओ, मिल के खाओ। आम तुम्हारे लिए, आम भी खाता है, खा लो खा लो खा लो, तुम्हारे लिए आम रख दिए, खा लो खा लो खा लो, आम खाओ आम खाओ खाओ ना, तुम्हारे लिए रखे ये आम है देखो। हाँ खा लो खा लो, आम खा लो खा लो, आम अच्छा लगता है तुमको आम? अच्छा तुमको रोज दे देंगे, खा लो बहुत आम आया है, खाओ खा लो। देखिए आम भी खा रहा है, अब डेली इसको हम आम रख देंगे, खा लो। और देखिए इधर भी झगड़ा चल रहा है, देखिए नया नया अगर कोई भी पक्षी आता है ना तो ये लोग खाने नहीं देते हैं, सबको डांट डांट के भगा देते हैं। और देखिए ये भी जो है ना वाइट वाला ये पिजन जो है नया आया है, तो ये इसको भी भगा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। दिन भर मेरा टाइम इसी सब में पास हो जाता है। और मैना किसमिस खा के चला गया, चिड़िया आती है 3 से 4 बजे के बीच और शाम को 6 बजे तक उसका चलता रहता है, वो तो किचन में भी आती है खाना मांगने, उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब मोमेंट है ना, ये सब मेरी छोटी से फैमिली है, मेरे बच्चे हैं ये लोग, तो सबका मैं ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पर चढ़ा दी हूँ दूध, नहीं तो गर्मी का दिन है फट जाएगा। तो देखिए मेरे घर से जो भी आम आया था ना, बहुत सारे आम पके हुए निकल गए, तो थोड़ा सा मैं अमावट बना दूँगी बच्चों लोग के लिए, वो लोग लेके चले जाएंगे। और अमावट की भी रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ,
तो इसीलिए मैं आज रोटी और भुजिया ही बना दी, क्योंकि मिस्टर वर्मा बोले बहुत सारा तुमको अचार लगाना है तो छोड़ दो, और दाल चावल नहीं खाना चाह रहे हैं दो तीन दिन से क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रहा है। तो चलिए मेरे लिए आसान हो गया। और यहाँ पर जितना भी पका हुआ आम है ना, तो इसको मिक्सी में मैं चला दूँगी, बिना पानी डाले हुए चलाना है तभी आमावट बनता है अच्छा। और साथ में जितना एक्स्ट्रा पका हुआ आम है ना तो मैं रख दूँगी अलग से। मेरी बहन लोग आई थी तो हम बोले ले के जाओ, सबका हिस्सा है, लेकिन सेकंड वाली बहन के यहाँ तो नहीं, लेकिन छोटी वाली बहन के यहाँ थोड़ा सा रहता है कि सास ससुर का घर है तो जैसे भाई भाभी लोग कुछ लेके आए हैं तो वही लोग ले करके जाएंगे, अपने मन से नहीं ले जा सकती है। तो अभी भी मतलब ये परंपरा है, तो उन लोग वहाँ से लौटेंगे पशुपतिनाथ से, तो जाएंगे मिलने के लिए। तो जो भी और भी चूड़ी वगैरह जो आया है, जो भी सामान, तो सब ले करके जाएंगे दोनों बहन के यहाँ। तो यहाँ पर आम को अच्छी तरह से मिक्सी में पीसने के बाद डायरेक्ट आपको कढ़ाई में डाल देना है और एकदम लगातार चलाते हुए इसको एकदम से चलाते रहना है। और उसके बाद स्वाद के अनुसार मीठा इसमें चीनी हम डाल दिए हैं, साथ साथ यहाँ पे मिर्च का भी अचार लगाना है। तो सारे मिर्च को धो लेते हैं, तो दो क्वालिटी, एक लौंगिया मिर्च है उसका भी अचार बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत तरीके से मैं अचार लगाती हूँ। अब तो मतलब सब ऑनलाइन अचार भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं अभी ये सब स्टार्ट नहीं की हूँ और सोच रही हूँ कि इसका मैं बिज़नेस करूँ, क्योंकि देखिए घर बैठे जब लगाती ही हूँ तो जो लोग अगर डिमांड करते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस नहीं आता है। तो मेरा छोटा वाला बेटा आएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अमेजोन से ये सब मैं शुरू करूँ। तो यहाँ पर आम पापड़ बनाने के लिए जो आम है ना, तो एकदम धीमी धीमी आंच पर इसको होने देंगे। जब इसमें बबल्स आने लगते हैं ना तभी हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और एकदम थाली में नीचे थोड़ा सा तेल लगा करके और बस एक बराबर फैला देना है और सुखा देना है दो दिन तक धूप में। तो देखिए एकदम से मतलब अभी और 5 मिनट होगा और देखिए एकदम बबल्स आने लगा है। और चलिए यहाँ पर तब तक मैं आम भी छील लेती हूँ। तो ये 3-4 जो आम है ना, तो ये मिस्टर वर्मा बाज़ार से लाए हैं जो इसका अचार ही बनता है। तो मेरा भाई बोला है थोड़ा सा कुच्चा भी लगा देना, तो थोड़ा कुच्चा है। और मेरा छोटा भाई को ना मेरे हाथ का मिर्च का अचार बहुत पसंद है, इतना पसंद है ना कि सब्ज़ी एक तरफ रख दीजिए और मिर्च का अचार रख दीजिए तो उसी के साथ खाएगा। तो मैं भेज देती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। और साथ साथ यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आम को भी कद्दूकस कर दे रही हूँ। तो इसमें इसका भी मैं अचार की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक भी क्रश करके डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा मतलब बनता भी है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। साथ साथ मेरे पास किचन में स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ डाइनिंग टेबल के पास ही रख करके मैं सारा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आम को कद्दूकस करने के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक भी मैं क्रश करके डाल दी हूँ। इसकी भी कुच्चा, लच्छा कुच्चा अचार, आम का कुच्चा, इसकी सारी रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। और मेरी मम्मी जब तक थी ना तो हम लोग तो अचार मतलब बनाते भी नहीं थे, कभी नहीं बनाए, लेकिन अब जो है ना मम्मी के नहीं रहने पे मतलब हम लोग देखते थे। आज जो भी देखिए हम लोग जो भी अपना संस्कार है, जो भी ये सब काम करते हैं, सब अगर आपके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है जो आप अब तक निभा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है अगर कोई भी मुझसे बोलता है कि नहीं आपके हाथ का अचार चाहिए, तो मैं बिल्कुल और ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके मैं देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आम है, तो थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि आई तो ले जाती, और क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो रखने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए ये रोस्टेड मसाले हैं जो बेसिक हम लोग अचार के लिए तैयार करते हैं, धनिया है, मेथी है, आज तेज़पत्ता भी डाल दी हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर कुच्चा अचार के लिए नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा मैं रोस्टेड मसाला भी डाल दूँगी 2 चम्मच आम के कुच्चा में, तो थोड़ा स्वाद अच्छा लगेगा। कढ़ाई में तेल में गरम करके रख ली हूँ हींग डाल करके, और यहाँ पर देखिए ये मिर्च का अचार मैं लगा देती हूँ। तो ये भी रोस्टेड मसाले हैं, लेकिन कभी भी अचार का मसाला पीसे ना, एकदम दरदरा ही पीसें, जितना दरदरा पीसेंगे ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा अचार। साथ में मैं आमचूर डाल ही दी हूँ इसमें, और देखिए नमक 1 चम्मच ज़्यादा डालें, और क्योंकि ये प्रिजर्व करेगा आपके अचार को। तो ये भी अचार मेरा बहुत दिन चल जाता है। साथ में राजस्थानी मिर्च का भी अचार दे दूँगी जो मैं जाड़े के समय में दिखा चुकी हूँ, उसकी भी रेसिपी
उसमें मैंने नींबू और के रस में सिर्फ हींग वाला मैं बनाई हूँ और बनारसी राई के साथ, उसकी भी रेसिपी है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हाथ से मिला रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे स्पून से ये सब जो देसी तरीका होता है ना, यह तो मैं स्पून से मतलब मेरे से नहीं होता है। हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करके साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लें और एकदम मसाले को दबाते हुए अचार में मिलाएं। तो ये क्योंकि मिर्च में मैं कट लगाई हूँ तो ये जो है ना अंदर तक मसाले जाएंगे, साथ में हल्दी है, थोड़ा सा मैं कश्मीरी मिर्च भी डाल दी हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें देसी मिर्च भुना हुआ पीसा हुआ है कलर आने के लिए, और साथ में तेल में हींग डाल के मैं गर्म करके ठंडा करके रख ली हूँ, वो एक चम्मच डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मैं अचार में तेल नहीं डालती हूँ, बहुत लोग होता है डुबा डुबा के तेल डालते हैं, मैं उतना तेल नहीं डालती हूँ। तो और देखिए ये अचार जो है ना बिल्कुल बन करके तैयार है, जैसे जैसे गलेगा ना तो ये अपने मसाला जो है ना एकदम मिर्च के अंदर तक जाएगा, और ये भी मिर्चा वर्मा को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनके लिए तो मैं अचार बनाती ही हूँ, आप लोग देखते ही हैं बहुत तरह से अचार मैं थाली में जैसा मतलब पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं थाली में अचार रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं तेल डाल देती हूँ, कुच्चा भी मेरा बन गया है। साथ में आलू के अचार की रेसिपी मैं फिर से बोलूँगी, किसी दूसरे दिन मैं शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर एक साफ डब्बे में रख लेती हूँ, लेकिन ये प्लास्टिक का डब्बा है और वहाँ मैं दे दूँगी तो भाभी लोग अपना जार में रखना होगा तो रख लेंगी, और क्योंकि ले जाना है तो इसको अच्छी तरह से पैक कर दूँगी। लेकिन मॉर्निंग में आज तो लगा दी हूँ, अब तो मेरे विंडो से धूप भी चली गई है और इसको मैं थोड़ा सा एक दिन धूप दिखा दूँगी तो जिससे मतलब ये अचार जो है ना ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो देखिए ये लग रहा है ना अच्छा, तो तीनों में से कौन सा अचार आप लोगों को मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। आपका कमेंट्स आता है ना तो मैं मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये अचार बन करके तैयार है, और ये तेल में हींग देख रहे हैं ना तो ये नेपाल वाला हींग है, नेपाली हींग भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू वाला होता है, तो ये गलता नहीं है लेकिन फ्लेवर ज़रूर आ जाता है। तो चलिए इसको बंद करके एक साइड में रख देते हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये अचार ना, मुझे भी अच्छा लगता है। अगर दाल चावल के भी साथ खाइए, रोटी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। साथ में देखिए ये कुच्चा भी बनकर के तैयार है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि लहसुन फ्लेवर वाला है। थोड़ा सा गर्म करके ठंडा हुआ तेल भी डाल देंगे क्योंकि रास्ता में ले जाना है, तो ज़्यादा मैं तेल नहीं डालूंगी। ये भी अचार में मैं मिर्च कम डाली हूँ क्योंकि बहुत सारा मिर्च भी है। साथ में आलू के अचार में थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी अलग से मैं शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप कर देंगे। तो ये मेरा डेली लाइफ स्टाइल जो है ना, अपना रूटीन भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, मॉर्निंग से लेकर के रात तक का मेरा क्या रूटीन रहता है। और ये अचार ना एक पीस खा लीजिएगा ना, मेरा भाई को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, साथ में उनके जो फ्रेंड आया है ना उनकी भी फरमाइश हुई है, तो मैं फिर से लगाऊंगी, मतलब ये एक लगा दी हूँ टिफ़िन में और मॉर्निंग में फिर से मैं बना दूंगी उनके लिए। और यहाँ पर ये सारा अचार जो है ना बन करके तैयार है, तो मॉर्निंग में धूप लगा दूंगी। अमावट छत पे अभी सूख रहा है तो बच्चों को दे दूंगी, बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं और मेरे हाथ का निमकी भी बहुत पसंद से खाते हैं, तो थोड़ा सा निमकी बना के दे दूंगी। तो मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक वो लोग आ जाएंगे, एक दिन के बाद फिर बहन लोग से मिल करके फिर चले जाएंगे, तो वो भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अमावट देखिए सुबह का टाइम है तो अमावट भी मतलब करीब करीब सूख गया है, तो सुबह में थोड़ा धूप दिखा करके बस पैक कर दूँगी। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। आपका एक शेयर एक कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी मतलब मायने रखता है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ।